हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही फेमस एक रेसिपी है। बंगाली घर में विंटर सीजन में ये तो बनता ही है और शादी में भी हम लोग ये डालते हैं दूल्हा या दुल्हन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये ले लिया मैंने खजूर के गुड़। इसको मैंने क्या किया है, थोड़ा पानी में डाल के ऐसे लिक्विड बना लेना है मुझे। अब ले लिया है राइस फ्लोर। अब ले लिया है मैदा, सॉल्ट और ऑयल। अब मुझे क्या करना है, लिक्विड को थोड़ा छान लेना है ताकि इसके अंदर अगर कुछ पत्थर या कुछ रहे तो निकल जाएगा। अब इसमें डाल ली हूँ थोड़ी सी सॉल्ट मीठे को बैलेंस करने के लिए। बस चुटकी सॉल्ट डाला है मैंने। अब डाल रही हूँ मैं राइस फ्लोर और मैदा, जो भी ले आप सेम क्वांटिटी में ले मैदा और राइस फ्लोर की। अब इसको अच्छे से एक थिक बैटर मुझे बना लेना है, पतला भी नहीं चाहिए और मोटा भी नहीं चाहिए। मेरा बैटर लग रहा है थोड़ा सा पतला है तो मैं उसमें थोड़ी सी और डाल रही हूँ दोनों मिक्स करके। अब डाल रही हूँ थोड़ी सी सौंफ, उसमें उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब बैटर देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया, ऐसे थिक बैटर चाहिए मुझे। पतला होने से क्या होगा, आप जब फ्राई करेंगे इसको ये स्प्रेड हो जाएगा, तो इसीलिए ऐसे ही बैटर चाहिए मुझे। तेल मेरे गरम हो चुका है, मैं एक डाल के दिखाती हूँ कैसे। इतना ऐसे डाल के बस कुछ नहीं करना है। अगर बैटर आपका सही बना हो तो ये ऑटोमेटिकली फुलके पूरी जैसे ऊपर आ जाएगा। अगर बैटर पतला होगा तो तेल में आते ही स्प्रेड हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा बिल्कुल बैटर बिल्कुल पक्का बना है, इसीलिए पूरी जैसे फूल के ऊपर आ गया है। अब मुझे क्या करना है, इसको पलट पलट के थोड़ा फ्राई कर लेना है। मेरा बन के रेडी हो चुका है। देखने में लग रहा है कि बिल्कुल पूरी जैसा बना है, लेकिन इसका कलर और गाढ़ा आ जाएगा ठंडा होने के बाद। इसको मैं अभी उठा रही हूँ। और एक करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली फूल के ऊपर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, मोस्टली हम लोग के विंटर सीजन में ही खाते हैं और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम लगता है। तो आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए। आप लोग के अगर खजूर की गुड़ से ना बना पाए तो आप लोग जो गन्ने का गुड़ मिलता है मार्केट में वो भी डाल के आप ट्राई कर सकते हो। देख सकते हैं ये भी बिल्कुल फूल के पूरी जैसा बन गया है। बस थोड़ी देर इसको फ्राई कर लेना है, इतना ही। कुछ टाइम रखने के बाद बिल्कुल गुड़ जैसे कलर आ जाएगा इसमें। ये भी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऐसे करके मैंने सारे बैटर को ऐसे करके मैंने फ्राई कर लिया है। देखिए इसका कलर कैसा आया है, गुड़ की कलर बिल्कुल पकड़ लिया है इसने। बिल्कुल इजी और सिंपल रेसिपी है ना। अगर ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।